तो गाइस यार, यदि आप भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन रखना चाहते हो, यानी कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन का जो वेकअप टाइम है वो आप बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो टाइम आता है गाइस वो 5 मिनट का होता है, ओनली 5 मिनट आपके जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो चालू रहेगी। लेकिन यदि आप इसको और भी लॉन्ग टाइम तक चालू रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पर बने रहिए एंड तक, छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको ये चीज़ कैसे करना है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, आपको ऐसी टेक्निकल और हेल्पिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मेरा नाम है इवन दीपक और आप देख रहे हैं टोटल हेल्पिंग यूट्यूब चैनल। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर अपने सर्च बार पे आना और यहाँ पर सर्च क्या करना है, कंट्रोल पैनल। तो गाइस, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको यहाँ पर ये राइट में भी, यहाँ पर भी दिख जाएगा स्क्रीन में भी, लेकिन यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आप साइड डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर लीजिए कंट्रोल पैनल। और इसके बाद इस पे जाना है आपको, यहाँ पर आपको हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन पे जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर पावर ऑप्शन पे चले जाना है। पावर ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर एक चेंज प्लान सेटिंग का एक ये लिंक मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिख जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि यदि आप बैटरी मोड पे यदि आप चला रहे हो तो टाइम कितना रहेगा। चूंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ा के रखा हुआ है, 1 आवर करके रखा हुआ है, लेकिन यदि आप प्लग करके रखते हो तो उसका जो टाइम रहता है 10 मिनट होता है। और यदि पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, यदि स्लीपिंग मोड पे रहेगा तो 1 घंटे तक लॉक नहीं होगा, या फिर और यदि प्लग मोड में रहेगा तो 30 मिनट तक लॉक नहीं होगा। तो गाइस, आप चाहो तो यहाँ से अपने उस टाइम को बढ़ा सकते हो। तो गाइस, जब आप लैपटॉप को ऑन रखते हो तो यहाँ पर ये 5 मिनट का ऑप्शन सेलेक्ट रहता है, लेकिन जब आप लैपटॉप को चार्ज में लगा के ऐसे चालू छोड़ देते हो तो ये 10 मिनट यहाँ पर टाइम सेट रहता है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर 1 घंटे सेट करके रखा था। आप चाहो तो इसे नेवर भी कर सकते हो, मतलब ये हमेशा चालू रहेगा, और यही ऑप्शन आपको इसमें भी मिल जाता है। तो आई होप सो गाइस, आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और अभी भी यदि आपका कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि फिर आपको ज़्यादा भी बात करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।